मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाज़रीन, नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह के साथ नए मेहमानों के साथ नई गपशप, नई बातें। जैसे कि आपको पता है कि सिंध में हमारे फ्लड का इतना सिचुएशन चल रहा है, फ्लड सैलाब की वजह से मैं काफ़ी मॉर्निंग शो अपने पोस्टपोन कर रही थी। कोशिश ये थी कि फ्लड पे बात हो, पॉलिटिक्स पे बात हो, गवर्नमेंट पे बात हो, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट की, अपील्स की। तो जैसे कि आज मैंने सोचा कि तारा रारा मश्करी करती है हमेशा अपने शो पे, तो काफ़ी टाइम हो गया किसी को हंसाया नहीं है, क्योंकि गम देने वाली तो दुनिया पड़ी है। इंसान जो है खुशियाँ चाहता है और मैं चाहती हूँ मैं सबको खुशियाँ दूँ, सब में खुशियाँ बांटूँ अपने शो के ज़रिए। तो जैसा कि मेरे शो पे आज आए हैं, इतनी सारी बातें कर ली ना, मैं नाम भूल गई हूँ, मैं सोच रही हूँ गेस्ट के नेम्स क्या थे, लेकिन मेरे साथ हैं मिस्टर नोहानी। वेलकम करते हैं मिस्टर रहमान नोहानी को अपने शो पर, और मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ अपना अमीर 786। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग कैमरे के आगे पीछे जो भी हैं, सब लोग कैसे हैं? नहीं, फिलहाल तो हम तीनों ही बैठे हुए हैं शो में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। लेकिन फिलहाल हम तीनों बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ और भी बहुत खास लोग मौजूद हैं जिनका जिक्र हम बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह। आपको बड़ा इंशाल्लाह करना चाहिए ना, जो वेट कर रहा है हमारे पीछे उसका भी मतलब कुछ बोलना चाहिए, लास्ट में उनके लिए दो लाइनें बोल देंगे। हाँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आशिक मजबूर हुआ। बस ये है, खैर आप मुझे ये बताएं आपका जो है कंटेंट टिकटॉक पे क्या, पहले ये बताएं टिकटॉक है क्या? टिकटॉक एक ऐप है। टिकटॉक एक, अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था टिकटॉक एक ऐप है। मुझे कह रहा तूने पूछा हरी। टिकटॉक एक बड़ा ऐप है। हां, मतलब ये एंजॉय दे लाए भी आए, ये टाइम पास ना, तो दे ले टाइम पास भी आए, ये समझो ये है। अच्छा, तो हम बताओ टिकटॉक छा है? असल में ये एक सोशल ऐप है, इसमें अगर जिस हिसाब से काम लेना चाहो ना आप ले सकते हो, दे सकते हो। यार ये तो तुम दोनों ने मुझे ऐसी बात बताई है, मुझे पता ही नहीं था टिकटॉक ऐप एक ऐप है। अच्छा, ऐप का नहीं पता, चलो ठीक है, हमने आपको बता भी दिया, आपको आज पता भी चल गया। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। ये बात है ना, स्कूल तो हम भी नहीं गए। मैं असल में ये पीला स्कूल देखा है, ये पीछे ही है, नजदीक है, करीमाबाद चौरंगी उतरो ना। अच्छा, आगे स्कूल आते है, मैंने वहाँ से तालीम हासिल की है। अच्छा सही, क्या फिर भी वो स्कूल तो गई है ना? आपने स्कूल भी नहीं? तो स्कूल भी नहीं गए। अरे मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं आप पोएट्री करते हैं? जी, तो एंट्री पोएट्री से करें कोई? सुना लेकिन ऊंची आवाज में हो। आने तो के संजेसी तो जी खबर पाजी वई हुंदी ऐ तो के तुजी औकात जी जो आता मीर इरशाद नोवाणी कोटड़ी शहर वारो गिदलो हुंदो है असा खणी तो के मानु कयो पोए पे थोरा न तो मनी बुड्डी न तो मरी बुड्डी न तो मरी बुड्डी न तो मरी बुड्डी न तो मरी। हां, समझने वाले तो समझ जाएंगे क्या बोल रहा है भाई। वैसे भी आने पानी भी तो इलाही थियो बुड्डी मरण का पेरा। हां बिल्कुल। और आप बताएं आप टिकटॉक पे क्या करते हैं? मैं असल में मैं पहले फोटोग्राफी करता था। अच्छा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अचानक मैं भाई के साथ शूटिंग करने के लिए गया, भाई जब भाई ये घर में वीडियो बनाता था ऐसी, मतलब कि मंसूर चांदी की कॉपी करता था, फिर कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जाता था, मैं इसको जाने नहीं देता था। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ शूटिंग के लिए गए, जैसे तो पब्लिक इसको देख के मतलब के बहुत सारे रश हो गई थी इसको देख के वीडियो के हिसाब से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भाई को अपने घर से बाहर। मैं आप सबको एक बात बताती चलूँ कि जो है इस टाइम भाई की चप्पल मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, ये आपने कहाँ से ली है? क्योंकि मैं भी शलवार कमीज मोस्टली वेयर करती हूँ, तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही है पाँव में। हैदराबाद? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ कंटिन्यू आप करें। मैंने कहा मैं भूल जाऊंगी, बार बार मेरी अट्रैक्शन चप्पल पे जा रही है। अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर मैंने ऐसा सोचा क्यों ना छोटा भाई है ये, इसका एक फन है मतलब के लोगों में सामने जाए, क्यों ना इसकी भी मतलब के हेल्प करने के लिए मैं खड़ा हो जाऊं। फिर मैंने इसको साथ दिया, मैंने फोटोग्राफी इसकी वजह से छोड़ दी। अच्छा। फिर इस भाई ने मुझे बोला कि आप भी टिकटॉक यूज करो, आपकी वजह से मैं आगे जा सकता हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आपके लिए ये भी कर सकता हूँ। फिर मैंने इसके लिए फोटोग्राफी वगैरह छोड़ दी, सब कुछ खत्म कर दिया, फिर टिकटॉक पे आया। फिर जैसे आया एक आईडी मेरी पहले बंद हो गई थी, उसके बाद फिर मेरा दिल उठ गया, मैंने इसको बोला मोबाइल वगैरह बेचना है, अब टिकटॉक नहीं बनाना। फिर भी मुझे इसी ने हौसला दिया,
एक इसकी भी पहले बैंड हो गई थी, मेरी भी हो गई थी, तनकीद वाले तो आपको मैं जो बैंड करते हैं ना बाबा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रिपोर्टें नहीं खड़ा करो, हम लोग बड़ी मेहनत से ऊपर चढ़ते हैं और आप लोग नीचे गिरा देते हो, ऐसा ही है। मगर मैं यही सोचता हूँ इंशाल्लाह जो मतलब के मेहनत करता है कामयाबी अल्लाह देने वाला है, एक दफा जो फेमस हो जाता है ना उसको कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसा ही है। हमें भी फेमस करो, मतलब नहीं माशाल्लाह से आप हमसे बड़े फेमस हैं और यही इज्जत है जो हम आपके शो में आए। मेहरबानी, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, कोई बात आप लोग इतनी दूर कोटरी शहर से आए हो, नहीं तो आज के दौर में किसी के लिए चाहे नवाब हो या चाहे गरीब हो या जो भी है, किसी के पास टाइम नहीं होता किसी के लिए, इंसान इंसान को वक्त देता है, ये बहुत वक्त बहुत कीमती चीज है। ये तो चीज है, नहीं तो हम तो एक ही साथ ही रहने वाले हैं, सिंध में रहने वाले, हम तो सबको भाई बहन समझते हैं अपने लिए, जो भी है टिकटॉक पे हम सबको सपोर्ट भी करते हैं। मेहरबानी सवाल क्या चलो बाबा, पेपर है क्या इंटरमीडिएट जो पेपर मापन जो सर के ना जो स्कूल में उन्हें पढ़ाई दो सीरियस में वो कहते हैं पटा तू इतना पढ़ा दे सही हम आते हुए और पोएट्री हम तो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, पोएट्री बुदेंगे, पोएट्री सुनाएं इंशाल्लाह। उर्दू में सुनाता हूं। हां उर्दू में सुनाएं। अबे जा मेरा सबर मारेगा तुझे लेकिन बद्दुआ तो बुजदिल करते हैं। वाह वाह, अबे जा मेरा सबर मारेगा तुझे बद्दुआ तो बुजदिल करते हैं, बद्दुआ तो बुजदिल करते हैं, क्या बात है। कामयाबी ॾियण वारो मुंहिंजो मालिक आहे, बाक़ी जेको आहे सो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो कौल आहे, जेको आहे सो तव्हां कहिड़ी बि महिनत कयो जेकॾहिं तव्हांजा मुखालिफ़ वधी वञनि त सम्झी वञो तव्हां कामयाबु आहियो। बिल्कुलु बिल्कुलु, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे, तो नाम होना ज़रूरी है बदनाम होने के लिए भी। मेरे शो पे मैं एक मैसेज दूंगी अहमद ब्रोही साहब को, बहुत अच्छे हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे अहमद ब्रोही टिकटॉक पे भी हैं और टिकटॉक बनाते भी हैं लेकिन कम बनाते हैं, सिर्फ शौकिया शायद बनाते हैं, तो उनको दावत है मेरे शो पे, लाइव शो में मैं दावत दे रही हूँ अहमद ब्रोही साहब को कि आप आए मेरे शो पर और मेरे शो का हिस्सा बने, मेरे शो पर चार चांद लगाए, तारा तो होता है लेकिन आप आके चांद बने। थैंक यू। तो अब कोई सिंधी में मैसेज दें, सिंधी में पोएट्री, सिंधी में पोएट्री देखिए वायरल भी मुझे यही हुई। हाँ असां एतिरा त नवाब आहियूं जो तव्हां असां खां का बि शइ मैच नथा करे सघो, बाक़ी रही ॻाल्हि कुते जी, तव्हांजो कुतो लूसी कुतो, असां नवाबनि जो कुतो बि टोमी, असां नवाबनि जो कुतो बि टोमी। क्या बात है, अच्छा ये आपने किसको बोला था? ये जो मुनाफ़िक लोग हैं उनको। अच्छा, असल में क्या छा है जो ॾिसो मुनाफ़िक माण्हू आहिनि उन सां मुंहिंजी जंग आहे। जंग आहे? हा, इन जे करे केतिरी घणी जंग आहे, इन जे करे कॾहिं मूंखे हाणे न करे माण्हुनि खे हाणे ख़बर आहे मां छॾे थो मिलां। मुनाफ़िक माण्हू जेके आहे सो ॿिनि दोस्तनि खे ख़ुशि ॾिसी करे उन्हनि खे तकलीफ़ थींदी आहे, बसि वधीक तव्हां पाण सम्झण वारा आहियो। लेकिन मैं ये कहूंगी मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, आपने इतने शेर बोले तो मैं भी एक बोलती हूँ, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही जो टूट जाए तो शीशा तलाश कर, सजदे किए हजारों सदियां गुजर गईं, सजदे किए हजारों सदियां गुजर गईं, जिंदगी बदल दे तेरी तू वो सजदा तलाश कर। तो इसीलिए लोगों के पीछे जाना नहीं चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, जब आपका नाम बनता है तो आपके पीछे लोग भौंकते हैं और वो कहते हैं ना मेरे पीछे 36 कुत्ते भौंकते हैं, एक तुम भी भौंको 37 हो जाएंगे, 37 पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए आई डोंट केयर पीपल क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, और ऐसी मेहनत करते रहे। ॾिसो काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि त यार असांखे फोर यू जी ट्रिक ॿुधायो। हा बाबा, फोर यू की ट्रिक है कामयाबी जी ट्रिक, न माण्हू ॿुधाइण थो चाहियां कामयाबी जी ट्रिक। मां इहो ई चवणु चाहींदुमि तव्हां कहिड़ी बि महिनत कयो, टिकटॉक हुजे या उन खां अलावा ॿी का बि महिनत हुजे, महिनत में कामयाबी निमाज़ सां थींदी आहे, निमाज़ पढ़ंदा कयो इंशाअल्लाह तव्हां। बिल्कुलु, निमाज़ क़ाइम करणु ज़रूरी आहे, अलाह मुझे हिदायत ॾे, अलाह हम सभु को हिदायत ॾे जो बीठे आहिनि, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो भी हैं सबको हिदायत मिले और आमीन सुमामीन।
तो आप मुझे ये बताएं और कोई पोएट्री है जो आपकी फेमस गई हो, ट्रेंड पे ट्रेंडिंग गई हो? ऐसे तो दो गई थी भाई की, एक दर्जी के हिसाब से था। हाँ भले सुनाएं। एक ये ऐसा से प्रोग्राम के नहीं था जो पैसे काटते थे उनके खिलाफ भी हमने। अरे ऐसा प्रोग्राम से याद आया मुझे, आज टिकटॉक पे कमेंट आया, मैं बड़ी हंसी। मैंने कहा सोचा मैं लाइव अपने प्रोग्राम में जरूर शेयर करूंगी, मुझे ये कमेंट आया कि तारा हम आपकी वीडियो का ऐसे वेट करते हैं जैसे एहसास प्रोग्राम में 2000 रुपए का वेट होता है। मैंने कहा ये कौन सा कमेंट है, एहसास प्रोग्राम में 2000 का वेट करते हो, ऐसे मेरी वीडियो का वेट क्यों करते हो? तो वही हमने भी पॉइंट उनके खिलाफ बोली थी जो पैसे काटते थे गरीबों के खिलाफ। हमारे पड़ोस के ही दुकान थे कुछ, मतलब कि हमने उनको साफ साफ बोल दिया था उन वीडियो के। अदा को शेर मुखे डेडिकेट कयो, मां मुनाफिक ना आया। मैं अलाई न कदो वो भी तां को बदेना से बरा जो की मुजी। हां अल्लाह तो गरीब जा ऐसा से प्रोग्राम जा पैसा खाने वाला हूं, अमीरन के वनी उते पहुंचाए दाचो, गरीबन जे पैसा मा 1500 रुपया दा कटयो, कुछ आला आला कयो, कब्र में भी वणणो आ। हां और कोई डेडिकेट करे मुझे? एक दुख तो मुझे है ही नहीं। मुझे कौन सा दुख है बाबा, मैं कौन सी दुखी हूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चक्करों में नहीं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चक्करों में नहीं हूं। मैं तो वैसे प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूं, अभी मेरी उम्र ही नहीं है। अबे बाबा तुम फिर पढ़ाई करो, स्टडी करो। अदा मैंने इसको बहुत बोला स्टूडियो के, मतलब के खुद मना करता है, मैंने बोला जब बड़े हो जाओगे माशाल्लाह से। हाँ मैं खुद अभी वकील वकालत करूंगी, फिर मैं बोलूंगी केस तोते कबो आने गद्दारी है जो, फिर मैं ऐसे गाने भी गाया करूंगी। रिश्तेदार नहीं है वो, भाइयों की तरह दोस्त है जो अपने राज छुपा के बैठा है, अंदर की जो आवाज है उसकी, मतलब के वो बाहर बोलना नहीं चाहता। मैं उसको मतलब कि आज शो में भी मतलब कि जाहिर करना चाहता हूँ, वो मेरा उस्ताद है, ऐसे समझो मेरा भाई है, भाइयों से भी चाहे तो बढ़कर भी है, मैं अपने भाइयों को भी पीछे कर सकता हूँ, उसको आगे ला सकता हूँ। वो है शेर अली नोहानी, मेरी कास्ट का भी है भाई है उसकी, माशाल्लाह से आप आवाज़ सुनोगे ना तो बहुत कशिश है उसकी आवाज़ में, मगर वो बोलता है कि यार गरीब की आवाज़ में मतलब कि कोई फ़न नहीं है, मतलब कि बाहर नहीं लेके जाते, सोशल पे नहीं करते, टिकटॉक पे जो वो वायरल होता है जो बकवास करता है, जिनके मतलब के मेहनत होती है, जिनकी आवाज़ होती है सारा दिन, मतलब के उनकी चीज़ें देखा करो आप दिल से। मैं उसको यही बोलता हूँ कि पोएट्री मतलब के जो भी है आप यूज़ करना लगो, मतलब के वो शायरी देता है मगर नाम किसी और का देता है, अपना कभी भी उसने नहीं दिया। अच्छा ये फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? सिंग मैं सुनता ही नहीं हूँ। मुमताज मौला एक बड़ा नहीं था जलाल चांदी हो। हाँ वो कोई मेरा तो फेवरेट सिंगर मौलाई भी है और उमरानी है, उमरानी वो जो कहते ना हाय वो भी दिल की धड़कन है, हाय हाय टूटी दिल लगो धक्के जगिरी, ये वाला गाना उसका मैं बड़ा सुनती हूँ। और मौलाई का के बदो तो के बा में जानी बेवफाई जो धागोवा, तो ये बहुत ज्यादा सुनती हूँ मैं। और हमारे बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं सिंध के तमाम, माशाल्लाह आमीन आमीन। क्या मैसेज देंगे अपने फैंस देखने वाले को मेरे शो के हवाले से? मुझे मैसेज यही देना चाहते हैं कि यार अपने बच्चों को तालीम दो, पहली बात तो ये है, इन चक्रों को सोशलों को छोड़ दो, बच्चों को पहले तालीम दो, उनको मतलब के बाहर का पता चले कि दुनिया कहाँ तक पहुँची है, सोशल क्या है कुछ क्या है, मगर उनके बच्चों को तालीम ना छीनो, कुछ भी करके क्या भी करके बच्चों को तालीम दो। हमारी सिंध में आप देखो ना जो बराड़ी वाले जो इलाके हैं वहाँ तालीम बहुत कम है, बहुत कम है, वहाँ तालीम नहीं दी जाती। मां यो मैसेज देण चाहिंदमि त हिन त तालीम ॾियण लाइ टीचर वधीक पढ़ण सही न आहे। ॾिसो न नॉर्मल माण्हू अची थींदी आहे, हाणे हीउ चवंदो तालीम ॾियो, मां चवां त एतिरो पढ़ी छा कंदा, हूअं बि ग़रीब जे ॿार खे जेको सरकारी ड्यूटी आहे उहो न मिली सघंदी, उहो सिर्फ़ु पढ़ी घरु ई वेही रहंदो, इन खां सुठो आहे त उहे धनारे हुजे। बाबा तारा रारा के शो पे आयो, तारा रारा को तो कुछ बोल के जाओ, तारा रारा के शो की कोई तारीफ करो। माशाल्लाह से आपकी वीडियोस भी बहुत अच्छी होती है, मैं देखता रहता हूँ, मैं आपकी वीडियो तब देखता था जब आपकी बाइक वाली वीडियो सोशल मीडिया बहुत वायरल हुई थी, मैं तब से आपको मतलब के लाइक करता हूँ,
और अक्षा के बाद लाइक करते हैं, फॉलो नहीं किया, फॉलो भी करते हैं माशाल्लाह से, फॉलो भी अभी भी किया होगा, उसके अलावा कमेंट्स वगैरह भी दे देते हैं कभी। अच्छा आपकी मेरे से फर्स्ट मुलाकात हुई, क्या कैसा लगा? माशाल्लाह से बेहतरीन, जैसे मतलब के दिखती हो ऐसे ही हो, क्या मतलब नहीं जैसे मतलब के वीडियोस में प्यार मोहब्बत करती हो सबके साथ, सिंध वालों के हिसाब से ना कोई एटीट्यूड मिलने में ना कोई कुछ, मतलब के कोई फर्क आप में से नजर नहीं आया। और उनका बहुत एटीट्यूड में ऐसा पान भी पंजे पर मत भरा छोकरी पे आई माशाल्लाह अल्लाह उनके कामयाब करे। बराबर मां जो मानो एटीट्यूड कंदो आए ना उन जे सामो पोस आइतरो कंदा छोकरी पोई ते रह जीवंदो आए माशाल्लाह ता सा के दिसण में मिलन में तमाम सुठा लगा। आई असा भी सब का पेरे तो थैंक यू तमा जो चैनल जो असा के गुराए दादी सुठी मोहब्बत दिनी अल्लाह तमा के इन कामयाब रखे। आई मां नंदन जे के यूजर हुंदा है उनन के चवन चाहिंदम दिसो और मुजी मेहनत ता सा गड्डा जेको ता चवन चाहिंदो मां ता सा गड्डा छो जे वडा यूजर एक बे के कर सकंदा मां नंदन सा गड्डा बिल्कुल। आई एकड़ो यो भी मां माजरत कंदम छो जो काफी दोस्त हुंदा है कमेंट्स या व्हाट्सएप ते उनका पो इंस्टाग्राम कंदा है तो चला या तो सा रिप्लाई थोड़ो देर सा दे मां उन ये चाहते मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूं। बाबा इंसान है, इंसान जो है कितना रिप्लाई दे कितने मैसेजेस का रिस्पांस दे, इंस्टा के डीएम्स इतने होते हैं व्हाट्सएप होते हैं, इंसान इंसान को नहीं जानता कौन क्या है कौन कैसा है कौन कहां से बिलोंग करता है कौन किस नेचर का है, तो इंसान किसी से इतनी बात नहीं कर सकता और इतना क्लोज नहीं हो सकता। तो मैं भी माजरत करती हूँ आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए कि अगर किसी को रिस्पांस नहीं मिल रहा किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा तो ये नहीं समझे कि मैं तारा में एटीट्यूड है या किसी आर्टिस्ट में एटीट्यूड है। हज़ार मजबूरियाँ होती हैं, हज़ार प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बिजीनेस होने की वजह से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो ये सब कोई नाराज नहीं हो। बाकी हम मैं अगर अपनी बात करूं, इन्होंने जैसे बोला एटीट्यूड नहीं पसंद, तो हम बहुत सिंपल नेचर के हैं, मौलाई फकीर बंदे हैं और होना भी इंसान को ऐसा ही चाहिए। अगर आपको आगे जाना है तो आप अपने अंदर से एटीट्यूड तकब्बुर गुरूर किस चीज का है इसको खत्म करो। उनका बावजूद एटीट्यूड होना ही कंदा जब कंदा उन जे सामो वे तो अन्य घणो कंदे पर खबर हो जे नहीं। मेरी एक नेचर है मुझे कोई एटीट्यूड दिखाता है मैं उससे और रिस्पेक्ट से मिलती हूं ताकि उसको खुद को शर्म आए कि मैं कैसे बिहेवियर में बात करूं। वो ये दो नहीं उसको शर्म नहीं आएगा। अच्छा मुझे उस्ताद मंसूर चांडे मिस्टर चांडे उनका सवाल थियो तो अल्लाह उनन मां देख असा के छो बे कमेंट्स घणा ईंदा अल्लाह उनन मां के समझ दींदो तो मुझे उस्ताद यो सवाल कयो अल्लाह उनन के समझ त दींदो पो भी ये मां समझंदा कोन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो जी हां बिल्कुल नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद थे टिकटॉक स्टार्स और टिकटॉक पे बहुत ट्रेंडिंग पर चलने वाले जो मिस्टर चांडियो की कॉपी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने शेयर बताए और उनके साथ मौजूद थे इनके भाई, ये भी बहुत अच्छे टिकटॉक पे फेमस चल रहे हैं, कोशिश करते हैं अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मेहरबानी आप लोग आए मेरे शो पर, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे और बहुत आगे तक जाए, मेरी दुआएं साथ हैं, मेरा सपोर्ट साथ हैं, जहाँ जहाँ तक मुझसे हुआ मेरी नीड हुई तो मैं हाजिर हूँ बाबा आप सबके लिए, सिंध वालों के लिए, मैं सिंध के लिए, मुझे सिंध से बहुत मोहब्बत है, सिंध के लोगों से बहुत प्यार है और ख़ास तौर पे उन लोगों से बहुत प्यार है जो सिंध में इस टाइम पुअर कंडीशंस में बैठे हैं। और अगेन दावत अहमद ब्रोई साहब प्लीज़ वेलकम, आप आएँ शो पर हमारे, हमारे शो को ज्वाइन करें और चार चांद लगाएं। फिर वही कहूँगी तारा तो है ना शो पर तो आप आएँ। और एक बार और तूने बोला तमा के चार चंद पंजो मन चंद पंज लगे पंज लगाओ भाई पांच चांद क्या पंज चंद सिंधी में बोले अल्लाह कंदो तमा की कंपनी के चार चंद न बल्कि पंज चंद लगेगा। तो बिल जी हां बिल्कुल पांच चांद आके लगेंगे इंशाल्लाह। पांच भी नहीं और ज्यादा बोलो ना पांच भी कम 50 50 नहीं देखो जितना पांच पंच का लफ्ज होता है हां पांच पंचतनी लफ्ज होता है। अच्छा माशाल्लाह वो बहुत होते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल खुश रहे आबाद रहे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपने फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। और मुझे रखें दुआओं में याद, मेरे मेहमानों को रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।